नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं मेरठ की ओर, जहां बेरोजगारी से तंग होटल के कर्मचारियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के होटल मुकुट महल से कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो के फरार होने के बाद होटल के मालिक को जेल भेज दिया गया, जिसके चलते होटल को सील कर दिया गया। इसके अलावा इस समूह के दूसरे होटल सुभद्र रेजिडेंसी को भी सील कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप दोनों होटल से जुड़े कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। आज सभी कर्मचारियों ने दिल्ली रोड स्थित होटल सुभद्रा में पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मेरठ से शहजाद शेख की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। प्रशासन की जांच थी। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, भूखे रहना, इच्छा मृत्यु, भूखे रहना, इच्छा मृत्यु, भूखे रहना, इच्छा मृत्यु, भूखे रहना। मेरा नाम नरेश कुमार कंसल, होटल मुकुट महल व सुभद्रा का मालिक। प्रकरण ये है कि प्रशासन की हमारे साथ बहुत जबरदस्त जास्ती हो रही है और एक बदमाश के नाम पे हमारे साथ इतनी बड़ी जास्ती हो रही है कि हमें आज भुखमरी के कारागार पर इन्होंने पहुँचा दिया है। हमारे कर्मचारियों को हमें आज ये वो स्थिति हो गई है कि हमें इच्छा मृत्यु की मांग की है। ये 28 मई को मैंने इसी लिहाज से 28 जुलाई को मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी कि मुझे प्रशासन, मोदी, योगी, अमित शाह, ये सब मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन देवें 15 अगस्त को। कितने लोग हैं आपके साथ में? मेरे करीब 150 कर्मचारी हैं टोटल वैसे तो, पर क्योंकि इनमें हलवाई भी हैं, बैरे भी हैं, गार्ड भी हैं, मैनेजर भी हैं, सब तरह के 150 कर्मचारी हैं, लेकिन ये कुछ परमानेंट हैं, लेकिन ये सब बेचारे भूखमरी के कारागार पर हैं। आज खाना बन जाता है, कल को नहीं बनता, कल को बन जाता आज नहीं बनता, कभी भूखे पेट सो जाते हैं। इन्होंने आज ये कहा कि जब आपने इच्छा मृत्यु मांगी है तो क्यों ना हमें भी दी जाए। तो आज ये सभी इकट्ठे हुए हैं और इच्छा मृत्यु की मांग की है। इन प्रशासन की तरफ से ना मुझे अभी तक कोई परमिशन मिली है और अब देखो 15 दिन के इनसे इन्होंने डिमांड करी है कि 15। ये सब चीज़ें जो ना, जैसे ये इससे पहले अभी सब एडिटिंग हो गए, कहाँ आपका आपके साथ पहले ये दिखाना हो, ये सब चीज़ें काट के कौन से मिलाना है। अब गेट ढाने आ गए, गेट परवेज, मैं यहाँ कॉर्पोरेट मैनेजर। 50-60 परिवार हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। होटल मुकुट महल, होटल सुभद्रा जो अवैध तरीके से सील लगाई है प्रशासन ने, उसके खिलाफ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। और देखिए, ये आप सभी लोग ही जानते हैं, मीडिया भी जानता है, हर आम पब्लिक भी जानती है, 4 पुलिस वाले, 8 पुलिस वाले एक बंदी को लेके जब कहीं जाते हैं, आप ढाबे पे भी जाएंगे वहाँ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो ढाबे वाला भी उनको नमस्ते करके, कोई अच्छा आदमी आएगा उसको नमस्ते करके वेलकम करेगा, कोई बुरा आदमी आएगा उसको भी वेलकम करेगा। साथ में पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों का अलग ही एक रोब होता है, तो होटल वाले और पुलिस वाले कभी पुलिस से बिगाड़ के नहीं रखते ढाबे वाले। लिहाजा वो आए, उनका वेलकम किया, उन्होंने कमरा वमरा लिया, पुलिस ने दिया, वो यहाँ से भाग गए। उसके बाद ये इल्ज़ाम होटल मुकुट महल के MD पर आया, मुकेश गुप्ता को उन्होंने जेल में भेज दिया, जो गैर कानूनी है। और हम जो अब चाह रहे हैं कि जो 15-20 साल से जो होटल चलता आ रहा था, सुभद्रा होटल चलता आ रहा था, मुकुट महल चलता आ रहा था, जिसकी NOC वगैरह हर साल क्लियर होती थी, NDA से भी होती थी, आपका फायर वालों से भी होती थी और सब जगह से भी होती थी, सराय एक्ट में भी हर साल जाते हैं, जितने भी इतने
कस्टमर आते हैं बाहर, इंडियन फॉरनर्स सब ठहरते हैं, सबको हम क्रिएटिव दे रहे थे। क्या एक महीने में ऐसा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत गुप्ता। प्रशांत जी, आपके जो ओनर हैं जी, क्या नाम है, क्यों बंद है? मुकेश गुप्ता जी हमारे ओनर, होटल के ओनर हैं। अभी लगभग 1.5 साल पहले बदन सिंह बद्दू नाम का जो कुख्यात बदमाश है वो फरुखाबाद जेल में बंद था, और उसको वहाँ से आना था गाजियाबाद जेल में, और वो गाजियाबाद जेल से वापसी उसे फरुखाबाद जेल से उसे गाजियाबाद आना था, और गाजियाबाद से उसे फरुखाबाद जेल वापस जाना था। बीच में ये मेरठ कहाँ से आ गया? पुलिस उसे मेरठ ले आई, क्यों ले आई इसमें कोई मतलब नहीं है। पुलिस की नौकरी बर्खास्त नहीं हुई, जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनकी नौकरी बर्खास्त होती तो लोगों को पता चलता भी इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जिन लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी को दांव पर लगाकर ये सब कार्य किया, उन्होंने अपनी वैल्यू ली होगी सरकारी नौकरी की, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हुए और एक व्यापारी को आप उत्पीड़न कर रहे हैं, आपने उसका काम धाम बंद कर दिया, जिससे 150 से ज़्यादा लोग तो साथ में जुड़े हुए हैं, होटल फूल वाला, नपीरी वाला, शनई वाला, स्टाफ के अलावा इतना व्यापार लोगों को जुड़ता है, सब आपने बंद कर दिया। आज मोदी जी कह रहे हैं आज की वो जो है रेवेन्यू मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो जब आप काम ही कारोबार ही बंद कर दोगे तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? 20 साल पहले जब हमारे मालिक ने होटल चालू किया था उस समय लोग दिल्ली जाके शादियां करते थे। हम ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से ये होटल खुले। अगर इसमें जब हमारे पास 20 साल से इस होटल की सारी एनओसी हैं तो आज अचानक से एनओसी कैसे ख़राब हो गई? हर साल एनओसी मिलती थी, सब काम चलता था, व्यापार चलता था, सब टैक्स जा रहा था गवर्नमेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। सर ऐसा है कि मैं 2004 से नौकरी कर रहा हूँ, और 2004 से मेरे मालिक ने मुझे, मेरा परिवार इसी मुकुट महल और सुभद्रा एजेंसी से चल रहे हैं। 3 महीने 4 महीने हमने लॉकडाउन में काट लिया, किसी भी तरह काटा, हमारे मालिक ने कैसी भी मदद करी, हमारे वक्त कटा हमारा। आज थोड़ा कारोबार चलने का टाइम आया तो मालिकों को होटल सील होने के नंबर आ गए। अब ये बताइए हम कहाँ जाएँ, हमारे बच्चे कहाँ जाएँ? 10 दिन से कगार पर हैं, खाने की कगार पर हैं, किराए के मकान है, कहाँ दें, क्या करें, कैसे करें? मतलब इससे तो अच्छी इच्छा मृत्यु मिल जाए, मालिक वहाँ बंद है, होटल यहाँ बंद है, इससे तो इच्छा मृत्यु मिल जाए ज़्यादा बढ़िया। क्या करेंगे जी के?